गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिंदु निकालना। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं, सुबह के 5 बज चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको जीरो लेवल मैथ का एक वीडियो मिलता है, 6 बजे से आपकी क्लास डीएलएड, 7 बजे से यूपीटेट, 8 से करंट अफेयर और 9 से पर्यावरण होती है, जो कि नवंबर माह का लेटेस्ट अपडेट है। उसके अलावा दोपहर में 2 बजे से हाई स्कूल की मैथ करंट अप, यानी कि जो इस समय चल रहा है परीक्षा होने वाली है स्कूल की, उसका क्रैश कोर्स दोपहर 2 बजे से हर दिन आप देखिएगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन के हल होते हैं, जो कि आप लोग pbrstudy@gmail.com पर भेजे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, एक विनती है कि इस क्लास को कम से कम 3 मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा, और अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना तो आपका कर्तव्य है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 5 और 7 में कौन बड़ा है, तो सभी लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, 7 बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उधर तरफ मुंह कर देंगे, उसका बस हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/7 और 5/7 में कौन बड़ा है, तो आप इसमें भी बता लेंगे कौन बड़ा है। क्यों? क्योंकि हर बराबर है, तो आप बता लेंगे भाई 2 रुपए में 7 लोग को बांटना है और 5 में 7 लोग को बांटना है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा रुपया रहेगा तो ज्यादा ज्यादा आएगा, यानी कि 5/7 बड़ा है, ये भी आप लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर 7/ यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और दूसरा लिखा है 7/9, अब आप इसको भी जानते होंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्यों? क्योंकि भाई 7 में 5 लोगों को बांटना है, इसमें 7 में 9 लोगों को बांटना है, तो कौन बड़ा होगा? 7/5 बड़ा होगा। क्यों? जिस भिन्न का हर जितना ही छोटा होता है, वो भिन्न उतनी ही क्या होती है, उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, उल्टा होता है, याद रखिएगा, जिस भिन्न का हर जितना छोटा होता है वो भिन्न उतनी ही बड़ी होती है, यानी कि 7/5 और 7/9 में 7/5 क्या है, बड़ा है। ये तो थी सिंपल सी बात, लेकिन अगर कुछ ऐसे सवाल मिल जाए अनसुलझे जो कि एकदम अलग हो, तब आप कैसे जानेंगे, ना उसमें हर बराबर है ना अंश बराबर है, तो कैसे जानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मालूम करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि ये सवाल आप देख रहे हैं, 3/5 और 2/7 और 1/9, इसमें कौन सबसे बड़ा है, कैसे जान पाएंगे? ना तो इसमें किसी का हर बराबर है ना किसी का अंश बराबर है, तो इसमें हम कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा, तभी मालूम चलेगा। यानी कि हम सभी का क्या करेंगे, सभी भिन्नों का हर बराबर कर लेंगे, और वो कैसे होगा, सभी भिन्नों के हर का एलसीएम निकालेंगे, लासा जिसे बोलते हैं, लघुत्तम समापवत, जिसे इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो 5, 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 5, 7 और 9, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका सबका गुणा कर ले वही एलसीएम हो जाएगा। ट्रिक के लिए कमेंट करिएगा, एलसीएम की ट्रिक हम आपको बताएंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालना नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसका लासा हो जाएगा 5 × 7 = 35 और 35 × 9 ये कितना हो जाएगा, अरे भाई 3 × 9 = 45 या फिर 4 × 9 = 27 = 31, यानी कि लासा कितना आया, 315। तो ये टोटल आप क्या कर लेंगे, अब सभी का हर 315 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 315। जब आप 315 में 5 से भाग देंगे तो जो आएगा उससे अंश में गुणा करेंगे, तो ये 315 है, इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 × 36 घटाने पाया 1, उतार लिया 5 और 5 × 3 = 15, ये आ गया 63, यानी कि 5 × 3 = 15 और 5 × 36 = 31, सही है ना, 63 आया। 63 का आप 3 में गुणा कर देंगे, तो इसको आप यही कर ले नीचे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये 9 और ये 18 हो गया 189। ठीक है, 189 याद रखिएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है कि क्या आ रहा है, बस हमें लिखना है 189 है ना, इसको कॉमा लगा दें ऐसे, क्योंकि कॉमा लगाना था ना। अब दूसरा क्या करेंगे, हमने सभी का एलसीएम लिया तो ये भी 315 होगा, 7 से भाग करी 315 में, यानी कि इससे हमें 5 से कर दिया इसका आगे नीचे, ध्यान दीजिएगा इधर हल हो रहा है। अब 7 से भाग करेंगे 315 में, तो ये देखिए 7 × 28 कितना आया, 3 × 5 = 45 45 है ना। ठीक है, कितना आया 45, अब 45 से आप 2 में गुणा कर देंगे तो 45 × 2 हो जाएगा 90, हो गया ना। अब क्या करेंगे, 9 से भाग करिए 315 में,
वही भाई सभी लोग जानते हैं, ये कर लेते हैं 9 से, तो 9 3 27 आया, 4 उतारा 5, 9 5 45। देखिए 35 आ गया, 35 का 1 में गुणा कर दीजिए, ये हो गया 35/315। अब यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, सभी का हर बराबर हो गया। अब आप डंके की चोक पे कह सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्यों भाई? 189 में 315 लोगों को बांटना है, चाहे रुपया हो, पैसा हो, चॉकलेट हो, टॉफी हो, बिस्कुट हो, कुछ भी हो, ठीक। 90 में 315 को बांटना है और 35 में 315 को बांटना है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा सामग्री रहेगी, ज्यादा वस्तु रहेगी, ज्यादा पैसा रहेगा, तो ज्यादा ज्यादा आएगा। इसका मतलब 189/315 क्या है? बड़ा है। और ये किसका मान है? 3/5 का। यानी सबसे बड़े दिन कौन है? 3/5। यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही। बात समझ में आ गई ना? ये था तरीका। इसमें अगर आपको कह दिया जाए कि इसको दी गई दिन को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इतना, इसको यहीं पर मिटा देते हैं थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा लिखे रहेंगे, ठीक है। तो देखिए मतलब की चीज हम लिखेंगे और बाकी मिटा देंगे। तो मतलब की चीज इसमें क्या है, ये जो हमने लिखा हुआ था इसको हम नहीं मिटाना है, क्योंकि अभी इसका काम लगेगा। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर इसको कहा जाए आरोही, देखिए आरोही मतलब होता है भाई इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और अवरोही, अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आरोही, यानी कि आरोही मतलब बढ़वाए कदम, यानी कि बढ़ते कदम जिसे बोलते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। और अवरोही, अवरोही मतलब अवरोही, यानी बैक साइड आना है, यानी ऊपर से नीचे आना, मतलब घटते क्रम में। तो आरोही करेंगे तो पहले सबसे छोटी, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी कौन हो जाएगी? ये ना 35, तो सबसे छोटी कौन है? 35/315, यानी कि 1/9 इसका मान है। तो हम क्या लिखेंगे? 1/9, ये आरोही क्रम है। फिर दूसरे पे 2/7, तीसरे पे 3/5, ये कौन सा क्रम था? आरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम बोले तो पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, जो कि ये लिखा गया है अवरोही क्रम में ही है, ये अवरोही क्रम हो गया। इसमें अगर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो 3/5, सबसे छोटी भिन्न पूछे तो 1/9। क्यों? क्योंकि नीचे हमने बराबर करके आपको बता दिया। बात समझ में आई ना? क्यों? इसको आप यहां भी देख सकते थे, 3 रुपए में 5 लोगों को बांटना था, इसमें 1 रुपए में 9 लोगों को बांटना था। तो भाई अगर 3 रुपए में 5 लोग को देंगे तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा मिलेगा जितना कि 1 रुपए में 9 लोगों को देने से मिलेगा। तो बात आप लोग समझ गए होंगे हमारी, समझ में आई ना? देखिए 8-10 मिनट की ये क्लास हो गई, लेकिन एक ही क्वेश्चन कंफर्म हुआ। बट ये मतलब नहीं रखता मायने कि कितना समय हो गया, मायने ये रखता हमारी क्लास में कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और हमारी क्लास का उद्देश्य होता है कि हर किसी को समझ में आए। तो ये था तरीका, समझ गए आप लोग? बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। इसके अलावा इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे अगले पार्ट में, 0 लेवल की क्लास का अगला नेक्स्ट पार्ट आप कल देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस क्लास को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा। हमारी आपसे एक विनम्र निवेदन है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने 2 मित्रों या 3 मित्रों में अवश्य शेयर करेंगे, और मैथ उन्हें अच्छी लगने लगेगी, मैथ के वो दीवाने हो जाएंगे, हम ये गारंटी लेते हैं 100%। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है और वहां पर आपको लिंक दी गई है, अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें और फेसबुक पेज पर फॉलो करें, लाइक करें, एवं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी किसी भी समस्या को आप भेज सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं 24/7। इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया, वहां पर लिखा है मैथ आसान है, लिखा है मैथ आसान है। जी हाँ बिल्कुल मैथ आसान है, 100% मैथ आसान है। अगर आप पीजीआई स्टडी से जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल मैथ आसान लगेगी आपको। कृपया आप मैथ आसान चैनल को सब्सक्राइब करें, पीबीआर स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आल सोशल प्लेटफॉर्म पर आप पीबीआर स्टडी से जुड़ सकते हैं कहीं से भी और कभी भी। तो आज की क्लास में इतना ही, चलते चलते फिर से याद दिला दूं, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दें और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं फिर। ये था 13 नंबर पार्ट, यानी कि पार्ट 13 कौन सा था भाई?
ये पार्ट 13 यानी कि आज जीरो लेवल क्लास का 13वां दिन था। ठीक है, पिछला पार्ट नहीं मिला तो नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको मिल जाएगी पिछले पार्ट। थैंक यू। इसी तरह से पीवीआर स्टडी के साथ बने रहें और अपने मित्रों में क्लास को अवश्य शेयर करें।